नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सबसे पहले बात सीरिया की, अमेरिका की। सीरिया में अमेरिकी आर्मी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आईएसआईएस चीफ अबू इब्राहिम मारा गया है। अबू इब्राहिम पर $10 मिलियन का इनाम था। इस वक्त की बड़ी खबर है। सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया है जो बाइडेन ने। ऑपरेशन में शामिल ट्रूप सुरक्षित वापस लौटा है, ये भी जानकारी दी जो बाइडेन ने। राष्ट्रपति बाइडेन ऑपरेशन को लेकर संबोधन भी करने वाले हैं। लेकिन बड़ी सफलता मिली है अमेरिका को। सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए उनका धन्यवाद किया जो बाइडेन ने। सीरिया में अमेरिकी आर्मी ने बड़ा ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में ISIS चीफ अबू इब्राहिम मारा गया है। अबू इब्राहिम के बारे में अगर आपको बताएं तो अबू इब्राहिम वो शख्स है ISIS का वो चीफ जिस पर $10 मिलियन का इनाम था। और इस ऑपरेशन को अमेरिका के ट्रूप्स ने अंजाम दिया सीरिया में और अब सुरक्षित वापस लौट आए हैं अमेरिका। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दी गई है। कुछ देर में ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर संबोधन भी करेंगे और तब और जानकारी इस ऑपरेशन के बारे में दी जाएगी। लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन था अमेरिका का जो अमेरिका ने सीरिया में किया। अबू इब्राहिम पर $10 मिलियन का इनाम था। ISIS का चीफ अबू इब्राहिम मारा गया है, ये जानकारी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है इस बड़े ऑपरेशन में। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जो ट्रूप थे वो वापस लौट आए हैं। और आइए अब आपको विस्तार के साथ बताते हैं कि यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने कैसे बगदादी के उत्तराधिकारी अल हाशमी को मार गिराया। देखिए, हम आपको बताते हैं कि सीरिया के अतमेह में किस तरह से रात 1 बजे अमेरिकी कमांडोज के हेलीकॉप्टर उतरे। सबसे पहले तो ये इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सीरिया के अतमेह में रात 1 बजे अमेरिकी कमांडोज के हेलीकॉप्टर उतरे और उसके बाद यहाँ से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। यूएस सेंट्रल कमांड के तहत आने वाली यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इसमें शामिल थी। स्पेशल फोर्सेस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आत्मेह गांव में अमेरिकी कमांडोज ने एक घर को घेर लिया। बगदादी नंबर 2 को इस तरह से मारा गया है इस ऑपरेशन में। लाउडस्पीकर्स पर महिलाओं और बच्चों को घर खाली करने के लिए कहा गया, यानी उस घर का घेराव करने के बाद कहा गया कि महिलाएं और बच्चे वहां से बाहर आ जाएं। अनाउंसमेंट के 2 घंटे के बाद कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया। कमांडोज ने घर पर ग्रेनेड दागे। इसके अलावा जिस पर आतंकियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, यानी जब यहां पर एक तरफ से ग्रेनेड दागे जा रहे थे तो जवाबी कार्रवाई आतंकवादियों द्वारा भी की जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी भी आई। बहुत ही नाटकीय ढंग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी अटैक एयरक्राफ्ट ने हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कमांडोज हेलीकॉप्टर से वापस रवाना हो गए। यहाँ से वापसी हुई जो अमेरिकी कमांडोज हैं उनकी इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद। जिस तरह अमेरिका के मरीन कमांडो ने दुनिया के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द अबू बकर अल बगदादी को मौत के घाट उतारा था, ठीक उसी तरह बगदादी का उत्तराधिकारी भी यूएस आर्म्ड फोर्स के ऑपरेशन में ढेर हो गया। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी उर्फ अबू इब्राहिम मौजूदा वक्त में ISIS की कमान इसी के हाथों में थी। ISIS की खूनी ब्रिगेड का यही चीफ था। सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, अजरबैजान समेत तमाम देशों में अबू इब्राहिम के नाम की दहशत थी, क्योंकि इसी के इशारे पर ISIS के खूनी कोहराम मचाते थे। ऐसे में बगदादी के बाद अबू इब्राहिम अमेरिका के प्राइम टारगेट पर था। यूएस आर्मी अबू इब्राहिम को तलाशने के लिए बीते 3 साल से जुटी थी। आखिरकार अबू इब्राहिम से जुड़ा खुफिया इनपुट मिला। उसकी लोकेशन कहाँ है इसका पता चला। लिहाजा प्रेसिडेंट बाइडेन ने अबू इब्राहिम अल हाशमी का डेथ वारंट जारी किया। यूएस आर्मड फोर्स के स्पेशल कमांडोज ने सीरिया की अतमेह में रात के वक्त धावा बोला। जैसे ही अबू इब्राहिम ने खुद को घिरा हुआ देखा, उसने बम विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया। इस ब्लास्ट में अबू इब्राहिम का परिवार भी मारा गया। यही वो मकान है जिसमें बगदादी का उत्तराधिकारी ISIS चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी अबू इब्राहिम अल हाशमी पिछले कई दिनों से छिपा था, वो भी अपने परिवार के साथ। इसी इमारत में रात के वक्त अमेरिकी कमांडोज दाखिल हुए। जैसे ही ऑपरेशन की शुरुआत हुई, तभी ISIS सरगना ने सुसाइड अटैक किया। आखिर यह आतंकी कितना बड़ा था, क्यों अमेरिकी फोर्स इसके पीछे पड़ी थी, कब बगदादी ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया,
वो भी जानकारी आपको देते हैं। बगदादी की मौत के बाद अबू इब्राहिम आईएसआईएस का चीफ बना। यूएस ने इस मोस्ट वांटेड पर $10 मिलियन का इनाम रखा। अबू बकर अल बगदादी के वक्त अबू इब्राहिम आईएसआईएस का टॉप कमांडर था। अबू इब्राहिम का असल नाम क्या है, इस पर अभी भी सस्पेंस है। अल हाशमी को अल मावला के नाम से भी जाना जाता था। जिस जगह अबू इब्राहिम मारा गया वो इलाका तुर्की बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी शहर के पास इदलिब भी है, जो कि अबू बकर अल बगदादी का कब्रिस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।